हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी स्टार और डेल्टा कनेक्शन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार और डेल्टा कनेक्शन समझने से पहले आप देखिए इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेसेस होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बता दिया कि व्हाट इज़ अ थ्री फेसेस, तो वहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम होगा थ्री फेस होता क्या है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो थ्री फेस सिस्टम होता क्या है। यहाँ पर मैं इंटरकनेक्शन के बारे में बताऊँगा, थ्री फेस सिस्टम एंड स्टार और डेल्टा सिस्टम। मतलब देखिए, स्टार और डेल्टा सिस्टम आप लोग पढ़ते क्यों हो और इसका यूज क्या है आपके डेली लाइफ में, और अदरवाइज आप स्टार और डेल्टा कनेक्शन के सिस्टम से आप रिलेशन भी फाइंड कर सकते हो, आप रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो यहाँ पर देखिए, इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेस सिस्टम क्या है। इन अ थ्री फेस, देखिए फाइव मीन्स होता है फेस, इन अ थ्री फेस देयर आर अ थ्री वाइंडिंग्स, ईच वाइंडिंग हैज़ अ टू टर्मिनल। मतलब क्या हुआ, अगर इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेस सिस्टम आपको ये बताता है कि आप स्टार और डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के बारे में आप क्यों पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, इन अ थ्री फेस सिस्टम देयर आर थ्री वाइंडिंग्स एंड ईच वाइंडिंग हैज़ अ टू टर्मिनल। टू टर्मिनल कौन सा होगा आपका, स्टार्ट और फिनिश। स्टार्ट मीन्स जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड एंड मीन्स एंडिंग पॉइंट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और एंडिंग पॉइंट ये हो गया, तो आप बोल सकते हो स्टार्ट एंड फिनिश। स्टार्टिंग, इफ़ सेपरेट लोड इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ईच वाइंडिंग। अगर आप थ्री फेस सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको लोड भी कनेक्ट करना पड़ेगा, विदाउट लोड का तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या, इफ़ सेपरेट लोड इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ईच वाइंडिंग सिक्स कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोड अक्रॉस द थ्री फेस सिस्टम में अगर आप लोड कनेक्ट करते हो तो आपको टोटल सिक्स कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको देखिए थ्री फेस सिस्टम है तो टोटल डबल कंडक्टर्स आपको रिक्वायर्ड होगा। मतलब सिक्स कंडक्टर्स रिक्वायर्ड होगा टू ट्रांसमिट अ पावर। मतलब ये पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ पावर करने के लिए आपको सिक्स कंडक्टर्स रिक्वायर्ड रहेगा। दिस विल टेक अ सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ये क्या होगा, आपका सिस्टम कॉम्प्लिकेट होगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कंडक्टर दिस थ्री वाइंडिंग्स कनेक्टेड इन अ टू वेस। मतलब आपको क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर को रिड्यूस करने के लिए आपको थ्री वाइंडिंग्स को कनेक्ट करोगे कैसे, इन अ टू वेस। कौन सा वेस, फर्स्ट इज अ स्टार और वाई। देखिए, स्टार कनेक्शन को आप लोग वाई कनेक्शन भी बोल सकते हो, डब्ल्यू और वाई ई, दैट इज़ वाई कनेक्शन। एंड सेकेंड वन इज़ अ डेल्टा, डेल्टा को आप लोग मेस कनेक्शन भी बोल सकते हो, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। देखिए, इंटर कनेक्शन ऑफ थ्री फेस सिस्टम आपको समझ में आया होगा क्या है। थ्री फेस सिस्टम मतलब थ्री वायर्स होगा, थ्री वाइंडिंग्स होगा, थ्री वाइंडिंग्स में आपका टोटल टू टर्मिनल होंगे, दैट इज स्टार्ट और फिनिश। अगर स्टार्ट और फिनिश है, आपको लोड कनेक्ट करना पड़ेगा, उस लोड को कनेक्ट करने के लिए आपको सिक्स कंडक्टर्स रिक्वायर्ड। क्यों सिक्स कंडक्टर, क्योंकि आप थ्री वाइंडिंग्स, थ्री फेस सिस्टम में आपको सिक्स कंडक्टर, थ्री वायर्स रहेगा जो कि सिक्स कंडक्टर्स रिक्वायर्ड होगा। और सिक्स कंडक्टर्स क्यों होता है, क्योंकि उसमें से पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आपको सिक्स कंडक्टर्स रहना ही चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो, सिक्स कंडक्टर्स को लगाते हो। एंड दिस विल टेक अ कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये एक्सपेंसिव भी होता है। एक्चुअली में सिक्स कंडक्टर्स अगर आप लेने जाओगे कहाँ पर, तो आपको एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा पड़ता है। इसलिए आपको इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कंडक्टर आप लोग क्या करते हो, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में आप यहाँ पर स्टार और वाई कनेक्शन एंड डेल्टा और मेस कनेक्शन के बारे में आपको ब्रीफली बताते चलूँगा और आपको समझाऊँगा। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपको समझ में ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि देखिए मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिया हूँ जिससे कि आपको समझ में आसानी पड़े। यहाँ पर देखिए, इंटर कनेक्शन आप समझ गए, अब स्टार कनेक्शन क्या होता है। देखिए, स्टार कनेक्शन के बारे में देखिए पढ़ने से पहले आपको, देखिए ये जो मैंने बनाया आर, दिस वन इज द देखिए स्टार कनेक्शन कैसा टोटल, देखिए स्टार कनेक्शन की जैसे दिख रहा है ये हो गया, दिस इज द सेकेंड वायर, दिस इज द थर्ड वायर। आप इसे वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, फर्स्ट वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग एंड थर्ड वाइंडिंग। तो आप देखिए, अब इन दिस मेथड स्टार कनेक्शन क्या होता है, इन दिस मेथड सिमिलर टर्मिनल ऑफ थ्री, दिस इज द एल, सिमिलर टर्मिनल ऑफ थ्री वाइंडिंग्स आर ज्वाइन टूगेदर। अब ये देखिए, सिमिलर टर्मिनल क्या होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलर टर्मिनल क्या होता है, सिमिलर टर्मिनल मीन्स दिस इज द योर न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर आपको टोटल थ्री वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज द नेम इज द न्यूट्रल पॉइंट। देयरफॉर सिमिलर टर्मिनल ऑफ थ्री वाइंडिंग्स आर ज्वाइन टूगेदर, मतलब वन वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग एंड थर्ड वाइंडिंग। अब देखिए, वन फर्स्ट वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए, आर एंड दिस इज द वाई एंड दिस इज द बी, आर वाई बी फर्स्ट वाइंडिंग कनेक्ट है। देखिए यहाँ से फर्स्ट वाइंडिंग आर रेड कलर का है, आर मतलब आपको पता है रेड कलर। फिर यहाँ से देखिए आपको सेकेंड वाइंडिंग है वाई, जो कि येलो कलर का है, एंड थर्ड वाइंडिंग इज अ ब्लू, बी दैट इज अ ब्लू कलर।
तो आपको टोटल टोटल थ्री वाइंडिंग्स कनेक्ट है, जो कि न्यूट्रल पॉइंट आप कॉमन पॉइंट दीजिए स्टार और न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द कॉमन पॉइंट, आप इसे कह सकते हो न्यूट्रल पॉइंट और स्टार पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कि आपको टोटल थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इज ए पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर टोटल थ्री वाइंडिंग्स कनेक्ट किया गया है, तो थ्री वाइंडिंग्स कनेक्टेड करने के कारण आपको जो फोर वायर भी आप कनेक्ट करें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जब भी आप इम्पेंडेंस, इफ थ्री आइडेंटिकल लोड्स आर कनेक्टेड टू ईच फेसेस, मतलब कि अगर आप थ्री आइडेंटिकल लोड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, अगर आप इफ थ्री आइडेंटिकल लोड्स आर कनेक्टेड टू ईच फेस, आई आई मीन्स करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेस इज सम ऑफ थ्री करंट्स, मतलब देखिए जहाँ से देखिए ये लेट्स से दिस इज द आई आर, यहाँ से जो कि आपका करंट जो फ्लो होगा यहाँ से होगा आपका आई आर करंट फ्लो होगा, एंड नेक्स्ट इज यहाँ से देखिए एंड दिस इज द योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट फिनिश। अब यहाँ से देखिए ये फिनिश पॉइंट है तो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिश पॉइंट रहेगा, लेट्स से दिस इज द फिनिश, दिस इज द फिनिश एंड दिस इज द फिनिश पॉइंट, देन दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब आपको क्या मिला यहाँ पर फ्रेंड्स कि ये जो कॉमन टर्मिनल पे वो कहाँ, यहाँ पर क्या है फिनिश टर्मिनल, मतलब स्टार्टिंग, इसलिए यहाँ पर सिमिलर टर्मिनल बोला गया है। सिमिलर मतलब यही है कि सिमिलर स्टार्ट फिनिश, मतलब फिनिश जो है एक ही टर्मिनल में कनेक्ट हुआ है, स्टार्ट फिनिश, फिर फिनिश स्टार्ट, फिनिश स्टार्ट, मतलब आपको देखिए टोटल जो टर्मिनल कनेक्ट किया है यहाँ पर न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर में देखिए फिनिश यहाँ पर जो कनेक्ट किया गया है, मतलब फिनिश स्टार्ट फिनिश, मतलब एक नाम दिया गया है स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्ट फिनिशिंग पॉइंट देन स्टार्टिंग, मतलब फिनिश से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो कॉमन टर्मिनल में आपको लास्ट में आके फिनिश हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई आर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आई वाई करंट हो रहा है फ्लो एंड दिस वन इज द आई बी, ठीक है आई बी करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई आर, अब आपको पता है कि सिंस द आइडेंटिकल इम्पेंडेंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफर इन फेस बाय 120 डिग्री, मतलब इसका क्या हो गया फ्रेंड्स कि देखिए आई आर इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में वहाँ पर बताया था कि करंट थ्रू द रेड वायर, दिस इज द रेड वायर, तो आई एम साइन थीटा होगा, फिर आई वाई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा माइनस 120 क्यों है, क्योंकि इम्पेंडेंस जो की है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफर इन फेस फ्रॉम 120 डिग्री, मतलब कि अगर यहाँ से अगर थीटा अगर वो बना रहा है तो यहाँ पर जो रहेगा आपका माइनस 120, मतलब क्योंकि ये डिफर कर रहा है 120 डिग्री से, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आई एम साइन थीटा माइनस 120। देन आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आई एम साइन थीटा माइनस 240। अब इसे समझने के लिए देखिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए ये वाला पॉइंट, ये क्या है आपका, अब ये जो आपको आई आर आई एम जो मिला, आई आर आई वाई एंड आई बी, अब इससे आप क्या करिएगा टोटल करिएगा, प्लस करोगे तो आपको इक्वल टू जीरो मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, मतलब आई एम साइन थीटा प्लस आई एम साइन थीटा माइनस 120, आई एम साइन थीटा माइनस 240, ये जो है आपको फ्रेंड्स कंपलसरी है यहाँ पर आई एम साइन थीटा माइनस 120 हुआ, क्योंकि ये येल्लो कलर के जो करंट है येल्लो वायर है एंड दिस इज अ ब्लू वायर, तो ब्लू वायर में से जो करंट रहेगा वो थीटा माइनस 240 आप कंपलसरी रख के चलिए एंड दिस इज द माइनस 120, आप इससे फिक्स कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि अगर नहीं मालूम पड़ेगा तो आप समझ लीजिए, याद ही कर लीजिए कि जो वाई रहता है एंड बी रहता है वाई 120 डिग्री से इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर देखिए आई एम साइन थीटा था तो यहाँ पर माइनस 120 देन माइनस 240, देयरफॉर इसका अगर आप प्लस करोगे तो आपको जीरो आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है आपको, दिस शोज दैट यू कैन रिमूव द न्यूट्रल वायर विदाउट द इफेक्टिंग ऑफ द वोल्टेज करंट इक्वेशन, मतलब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया तो आप समझ जाओगे इजली कि क्या है ये एक्चुअल में। देखिए ये जो देख ये मैंने क्या किया यहाँ पर, आपको सेम था स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग फिनिश देन स्टार्ट देन फिनिश एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपका कनेक्टन जो कि आपको थ्री फेज सिस्टम में मैंने वहाँ पे पिछले डायग्राम में बताया था आर था वाई था एंड बी था, यहीं तक आपका डायग्राम था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैंने देखिए आपको पॉइंट्स दिया, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो कि लिखा के दिया, यहाँ पर आपको समझ में आएगा थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इज़ पॉसिबल, मतलब देखिए स्टार कनेक्शन सिस्टम में आप थ्री फेज थ्री वायर भी पॉसिबल है एंड थ्री फेज फोर वायर भी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि देखिए थ्री फेज सिस्टम ये हो गया एंड थ्री वायर सिस्टम, ये आपको थ्री फेज थ्री वायर है। अब यहाँ पर देखिए एक न्यूट्रल वायर आने के कारण आपको क्या हो जाएगा थ्री फेज फोर वायर, मतलब देखिए 1 2 3 दिस इज द फोर्थ वन कौन सा आपका न्यूट्रल वायर, तो आपको न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया गया,
यहाँ पर सेम यहाँ पर 3-phase 4-wire सिस्टम इज अ पॉसिबल, समझ गए आप। इफ थ्री आइडेंटिकल लोड्स आर कनेक्टेड कनेक्टेड टू ईच फेस, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेस सम ऑफ थ्री करंट्स। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अगर थ्री लोड्स, दैट इज ये आपका लोड है जेड पी एस जेड पी एस जेड पी एस, ये थ्री लोड्स क्या आपका आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने के कारण क्या है, ये सम ऑफ थ्री करंट्स क्या होता है, इक्वल टू जीरो। सम ऑफ थ्री करंट मतलब देखिए, ये आपका यहाँ से अगर एक वायर जा रहा है तो आपका आई आर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से क्या है आपका न्यूट्रल वायर है, यहाँ से आई वाई करंट फ्लो हो रहा है। देखिए मैंने बनाया कैसे, यहाँ से कनेक्ट किया गया इसे कनेक्ट, आई वाई कनेक्ट आई वाई करंट एंड दिस इज द आई बी, मतलब आई आर आई वाई एंड आई बी, टोटल थ्री करंट्स फ्लो हो रहे हैं। एंड लेट से यहाँ पर जो आपका रेड वाई एंड बी, और ये जो आपका रहेगा आपका न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट किया गया इसे इस फिनिशिंग पॉइंट में, तो जो टोटल करंट आई आर, यहाँ से करंट आई आर, यहाँ पर आई आर आ गया, फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई आर करंट। एंड देखिए फिर यहाँ से गया करंट हो गया, यहाँ से गया तो आपको क्या मिला आई वाई, फिर देखिए ये वाला जो कनेक्ट किया गया है यहाँ से नीचे से गया है आपको यहाँ पर, तो ये कौन सा करंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आई बी, मतलब क्या हो रेड येलो एंड ब्लू। फिर यहाँ पर जो टोटल करंट यहाँ से जो पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो सम ऑफ टोटल रहेगा, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन तीनों का सेम होने के कारण ये क्या है सम ऑफ, तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, इसलिए आपका आई आर आई वाई का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आई आर इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, आई वाई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा माइनस 120, थीटा माइनस 120 क्यों, सिंस द आइडेंटिकल इम्पेंडेंसेज आई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफर इन फेस बाय 120, मतलब हर एक वैल्यू के यहाँ पर डिफर करता है 120 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 डिग्री, फिर यहाँ पर 240 डबल हो जाएगा, क्योंकि 120 डिग्री से डिफर कर रहा है यहाँ पर इसलिए डबल हुआ। तो यहाँ पर जो जो आपका सम आएगा आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके आप इसका वैल्यू जीरो होता है। तो ये क्या बता रहा है, दिस शोज दैट द यू कैन रिमूव द न्यूट्रल वायर विदाउट द अफेक्टिंग द वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन, मतलब क्या हो गया, अब इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर आई आर आई वाई आई बी दिस इज इक्वल टू वट जीरो, अगर ये जीरो वैल्यू आपको मिल रहा है तो मतलब क्या होगा कि अब इस वायर को न्यूट्रल वायर को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा 3-phase 3-wire सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। इसके पहले क्या था आपको 3-phase 4-wire सिस्टम, क्योंकि देखिए 1 2 3 यहाँ पर देखिए, नहीं तो आई आर आई वाई एंड आई बी, टोटल थ्री फेस थ्री वायर्स था, एंड एक वायर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल वायर है जो कि कनेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पर जब ये आपने क्या कि आई आर आई वाई आई बी को जब भी सम किया था, आपको वैल्यू इसे सॉल्व करोगे, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए साइन थीटा माइनस, मतलब साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, आप सॉल्व करोगे तो आपको जीरो मिलेगा ही, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो आप आपको ये क्या होगा, अगर ये वैल्यू जीरो हो गया मतलब यहाँ से आपका वायर डिसकनेक्ट हो गया, वायर डिसकनेक्ट होने के कारण क्या हो गया आपको खाली 3-phase 3-wire सिस्टम, मतलब कि इन स्टार कनेक्शन सिस्टम 3-phase 3-wire सिस्टम में भी पॉसिबल एंड 3-phase 4-wire सिस्टम भी पॉसिबल है, मतलब दोनों आपका पॉसिबल रहेगा। बट इन डेल्टा से कनेक्शन सिस्टम में आपको जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पर समझ जाओगे कि वहाँ पर ओनली 3-phase 3-wire सिस्टम ही पॉसिबल है, वहाँ पे 3-phase 4-wire सिस्टम नहीं पॉसिबल। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पॉइंट बताया, दिस मेथड सिमिलर टर्मिनल क्यों, क्योंकि ये सिमिलर टर्मिनल इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार्ट फिनिश देन फिनिश स्टार्ट, कॉमन पॉइंट को आप क्या बोलते हैं स्टार और न्यूट्रल पॉइंट। 3-phase 4-wire सिस्टम इज पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर देखिए आप पॉसिबल हो रहा है 3-phase 4-wire, बट आप जब इसे सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, जीरो मिला, मतलब ये पॉसिबल भी है नहीं भी पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप सॉल्व करने के हिसाब से जैसा आपको इक्वेशन गिवन रहेगा उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि 3-phase 3-wire है कि 3-phase 4-wire, बट डिफ्रेंशिएट जब भी करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 3-phase 3-wire एंड 3-phase 4-wire में भी पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इफ थ्री आइडेंटिकल लोड्स आर कनेक्टेड टू ईच फेस, मतलब देखिए लोड क्या है आपका, ये जेड पी एच आपका ये लोड है, जेड पी एच, थ्री आइडेंटिकल लोड्स आर कनेक्टेड, द करंट जो फ्लो होगा आपका, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेस, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेस इज द सम ऑफ थ्री करंट, मतलब देखिए यहाँ से जो आई आर करंट फ्लो रहा है, आई वाई करंट फ्लो रहा है, आई आई बी करंट फ्लो रहा है, ये टोटल सम ऑफ थ्री करंट। तो आप सम ऑफ थ्री करंट किया तो आपको जीरो मिला, इस जीरो मिलने के कारण क्या हो गया डिसकनेक्ट हो गया, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि दिस शो दैट रिमूव द न्यूट्रल वायर, मतलब न्यूट्रल वायर को रिमूव करोगे विदाउट द इफेक्टिंग ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। अगर आपने इस वायर को रिमूव भी किया तो आपको वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पता चलेगा। तो ये हो गया आपको स्टार कनेक्शन सिस्टम के बारे में फ्रेंड्स, अब मैं डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के बारे में अब बताता हूँ आपको।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने डेल्टा और मेस कनेक्शन सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिलेटेड टू आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा कनेक्शन सिस्टम होता गया है। तो डेल्टा कनेक्शन सिस्टम देखिए, इन दिस मेथड द डिसिमिलर टर्मिनल ऑफ थ्री वाइंडिंग्स आर जॉइंट टूगेदर। अब देखिए स्टार कनेक्शन सिस्टम के बारे में आपने क्या देखा था, वहाँ पर सिमिलर टर्मिनल कनेक्ट था ऑफ थ्री वाइंडिंग जॉइन टूगेदर इन स्टार। बट डेल्टा कनेक्शन में आपने क्या क्या देख रहे हैं आप, डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब देखिए, ये डेल्टा कनेक्शन सिस्टम देखिए, आपको जैसे डायग्राम दिख रहा है कि डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के बारे में, खाली यहाँ पर देखिए दिस इज द, ये क्या आपका इंडक्टेंस, दिस इज द डायग्राम ऑफ इंडक्टेंस है जो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द फिनिशिंग। फिर यहाँ पर देखिए डिसिमिलर का मतलब यही है कि आपको देखिए ये स्टार्ट है फिनिश है, आपको स्टार कनेक्शन में क्या था, स्टार स्टार्ट फिनिश देन यहाँ पर फिनिश होता था इन स्टार कनेक्शन सिस्टम। बट इन डेल्टा कनेक्शन सिस्टम डिसिमिलर टर्मिनल मतलब स्टार्ट स्टार्ट फिनिश देन आपको स्टार्ट देन दिस इज अ फिनिश। अब यहाँ पे फिनिश हो गया, ये जो ये वायर में फिनिश हो गया मतलब ये क्या हो गया, स्टार्ट दिस इज अ फिनिश, मतलब यहाँ पर फिनिश हो गया, मतलब स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश स्टार्ट फिनिश, मतलब देखिए जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है फिनिश हो जा रहा है, मतलब इसलिए इसने क्या बोला, इन दिस मेथड डिसिमिलर टर्मिनल ऑफ थ्री वाइंडिंग्स आर जॉइन टुगेदर। मतलब ये जो वाइंडिंग्स है, फर्स्ट वाइंडिंग जो कि आर, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाइंडिंग रेड कलर का है, सेकेंड वाइंडिंग इज अ वाई एंड थर्ड वाइंडिंग इज अ बी। तो जो थ्री वाइंडिंग्स है आर वाई बी, आर कनेक्शन कहाँ से, दिस इज आर एंड दिस वन इज अ वाई एंड यहाँ से जो कनेक्ट किया गया बी है। खाली देखिए ये डायग्राम ऐसा बनाए हो और यहाँ से आर कनेक्शन है, दिस इज वाई एंड यहाँ से जो कनेक्ट किया गया है बी। तो आपको खाली ये डायग्राम पता रहना चाहिए कि कैसा बनाया जाए, ईजी है डायग्राम फ्रेंड्स। यहाँ पे खाली डेल्टा एक बना दीजिए गैप छोड़ के, यहाँ से एक लाइन आर वाई एंड बी करके आप बना सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे दिस शोज दैट फिनिश टर्मिनल ऑफ वन वाइंडिंग इज कनेक्टेड कनेक्टेड स्टार्ट टर्मिनल ऑफ अदर वाइंडिंग। मतलब देखिए दिस शोज दैट, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि फिनिश टर्मिनल, देखिए फिनिश टर्मिनल ऑफ वन वाइंडिंग कनेक्टेड टू स्टार्ट, यहाँ पर देखिए स्टार्ट टर्मिनल ऑफ अदर वाइंडिंग, ये आपका फर्स्ट वाइंडिंग है, दिस वन इज द सेकेंड वाइंडिंग। तो फर्स्ट वाइंडिंग में जो आपको फिनिश टर्मिनल बता रहा है, तो सेकेंड वाइंडिंग में आपको क्या, स्टार्ट टर्मिनल, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर बैलेंस सिस्टम। देखिए अब सबसे पहले बैलेंस सिस्टम के बारे में मैंने आपको जैसे कि पहले लेक्चर में आपको बता दिया बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम होता गया है। यहाँ पर बैलेंस सिस्टम क्या होता है, सम ऑफ थ्री फेसेस, यहाँ पर देखिए थ्री फेस वोल्टेज बिकम्स टू जीरो। मतलब यहाँ पर देखिए थ्री फेस सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आई स्टार कनेक्शन में क्या था, आई आर आई वाई एन आई बी को आप ऐड करते थे जीरो होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बैलेंस सिस्टम के लिए सम ऑफ थ्री फेसेस वोल्टेज बिकम जीरो एंड ई एम एफ इंड्यूस्ड आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफर इन फेस फ्रॉम 120 डिग्री। जैसे कि ई एम एफ देखिए ई आर ई वाई ई बी, आपका ये क्या है, रेड कलर है, वाई येलो एंड दिस इज द ब्लू। तो जो फेस डिफरेंस क्या है, 120 डिग्री है, तो आपको रेड कलर क्या है, साइन थीटा है, तो येलो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री से डिफर करेगा, तो -120 एंड दिस इज द -240। और इससे सम करोगे तो फ्रेंड्स आपको जीरो मिलेगा। तो यही बता रहा है कि फॉर बैलेंस सिस्टम के लिए आपका ये क्या होता है, जीरो होता है, ई एम एफ ऑफ रेड कलर, ई एम एफ ऑफ येलो एंड ई एम एफ ब्लू। यहाँ पर फ्रेंड्स दिस इज द कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के बारे में। डेल्टा कनेक्शन में आप ओनली थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे, क्योंकि देखिए थ्री फेस एंड थ्री वायर सिस्टम ही होता है। एंड इन स्टार कनेक्शन सिस्टम के बारे में थ्री फेस एंड फोर वायर सिस्टम एंड थ्री फेस एंड थ्री वायर सिस्टम एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर भी वहाँ पर क्या था, करंट को जब भी आपने ऐड किया था तो जीरो आया था, यहाँ पर आपने क्या किया, ई आर ई वाई ई बी ई एम एफ को जब भी आपने किया तो ये यहाँ पर जीरो आया। यहाँ पर डिसिमिलर टर्मिनल डेल्टा कनेक्शन में आप क्या करते हो, डिसिमिलर टर्मिनल ऑफ थ्री वाइंडिंग ज्वाइन कर दो, दिस इज द फर्स्ट वाइंडिंग सेकेंड एंड थर्ड। एंड जो तीनों वाइंडिंग है रेड येलो एंड ब्लू कलर का होता है, वहाँ पर भी ब्लू कलर का होता है, खाली यहाँ पर डिफरेंस है कि ये स्टार्ट फिनिश जब भी होता है तो नेक्स्ट वाइंडिंग जो होगा वो डिफरेंट रहेगा। स्टार्ट अगर यहाँ पर फिनिश है तो यहाँ पर स्टार्ट, अगर अदरवाइज यहाँ पर स्टार्ट रहे तो यहाँ पर फिनिश। तो यहाँ पर दिस इज द कुछ टाइप्स है एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जिससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो आप खाली देखिए कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके स्टार्ट एंड डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़, आपने देखिए अभी तक क्या पढ़ा, आपने इंटर कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम, ये क्या होता है, आपको ये बताता है कि आप स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हो, क्योंकि ये इन थ्री फेज सिस्टम में थ्री वाइंडिंग होता है जो कि टू टर्मिनल स्टार्ट और फिनिश होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिक्स कंडक्टर्स रिक्वायर्ड होता है, ये सिक्स कंडक्टर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव होने के कारण आप क्या करते हो, स्टार और डेल्टा पढ़ते हो।
स्टार्ट स्टार के लिए आप सिमिलर टर्मिनल टू टर्मिनल, सिमिलर क्या होता है, स्टार्ट फिनिश देन फिनिश स्टार्ट, मतलब जो अलग यहाँ पर आने के बाद फिनिश से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया ये सिमिलर टर्मिनल। एंड कॉमन पॉइंट को आप न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हो। थ्री फेस फोर वायर सिस्टम इज़ पॉसिबल, वहाँ पे आप थ्री फेस फोर वायर सिस्टम पॉसिबल नहीं था इन डेल्टा कनेक्शन में। तो एंड यहाँ पर देखिए आई आर आई वाई एंड आई बी को जब आपने सम किया तो आपको जीरो मिला, सेम यहाँ पर भी आई आर वाई आई वाई एंड आई बी को ई आर ई वाई ई एम एफ को आपने ऐड किया तो जीरो मिला। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स फ्रेंड्स स्टार और डेल्टा कनेक्शन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा रिलेशन बिटवीन द डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में, आप रिलेशन किसके बारे में, करंट पावर एंड वोल्टेज के बारे में रिलेशन में आपको बताऊंगा। एंड उसके अगले अगले लेक्चर में आपको स्टार कनेक्शन के बारे में रिलेशन बताऊंगा। तब तक के लिए कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को मेरे लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।